गड्डीबाज में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। देश के दक्षिणी हिस्से से कन्याकुमारी से आज यहाँ से आगे बढ़ने की तैयारी है। रंगदुम बिल्कुल रेडी है यहाँ से निकलने के लिए। रात को अनुपम ने बहुत देर एडिटिंग की तो सो गया था, तो मैंने सुबह उठ के सब रंगदुम को तैयार कर दिया। एक टाइम था जबकि जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज होती है वो सब राम भरोसे होती थी, वहाँ पे रहना बड़ा मुश्किल होता था, लेकिन अब एकदम प्राइवेट होटल्स की तरह मेंटेन करते हैं। कल मैं तमिलनाडु टूरिज्म की प्रॉपर्टी पे रिसर्च कर रहा था तो मैंने देखा कि पूरे तमिलनाडु में ऐसा ही है, सारी प्रॉपर्टीज़ बहुत बढ़िया हैं। हम लोग को जाना था रामेश्वरम। कल हम लोग थोड़े से डाउट में थे कि जाएं कि नहीं जाएं, क्योंकि तमिलनाडु में साइक्लोन की वार्निंग है, लेकिन वो साइक्लोन पौंडीचेरी से ऊपर की तरफ आंध्रा की तरफ जा रहा है तो जा सकते हैं। हर हर महादेव अपने को बुला रहे हैं। तो हाल फिलहाल बढ़ते हैं रामेश्वरम की तरफ। यहाँ पे ये लोग सब जो खड़े हुए हैं, ये लोग सब मोर को ही देख रहे हैं। लेफ्ट साइड में काफी सारे मोर दिख रहे हैं। आज हम लोग को निकलते निकलते बज रहा है 10:30, थोड़ा लेट निकल रहे हैं। तो उसके दो रीजन है, रात को एक तो मैं लेट सोया था इसलिए सो के उठने में लेट हो गया, दूसरा आज खाना था क्या कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट खा रहा था। आज हमारे पैकेज में ही था, वैसे हम लेते नहीं है लेकिन यहाँ इंक्लूडेड ही रहता है तो बिना वसूले कैसे जा सकते थे। तो मम्मी बहुत खुशी से बार बार लो चली मैं अपनी थाली रिफिल कर हमने आपको ये जो इंटरसेक्शन दिख रहा है ये बड़ा ही आइकॉनिक जगह है, नेशनल हाईवे 44 कन्याकुमारी से कश्मीर या कश्मीर से कन्याकुमारी, यहाँ आके इसी पॉइंट पे खत्म होता है। दिनों बाद आज 4 लेन पे आए तो बड़ा रिलैक्स लग रहा है। मुझे इतना रिलैक्स लग रहा है तो तुम्हें कितना रिलैक्स लग रहा होगा। केरला की सगरी सगरी सड़कों पे चला चला के थक गए थे। और ये एक्चुअली में जो हाईवे है इसमें दोनों तरफ विंड मिल्स लगी हुई हैं। तो हमारे दिन का ये है पहला ब्रेक। मम्मी यहाँ पे पैदल चल चल के अपना नाश्ता पचा रही है। ज्यादा खा लिया ना आज मम्मी ने मेरी थाली में तो हमेशा तेरी नजर रहती है ना। जनरली ऐसे एरियाज में बहुत ह्यूमिडिटी होती है, थी भी कुछ दिनों तक, लेकिन एक दो दिन से ये जो साइक्लोन और इसकी वजह से बारिश चल रही है उस वजह से एटमॉस्फेयर बड़ा सुहाना हो गया है। यहाँ पे बड़ा प्लीजेंट हो गया है, मेरे को बहुत मजा आ रहा है। तो ये हम लोग आ गए हैं नेशनल हाईवे 44 को छोड़ के नेशनल हाईवे 138 पे। हालांकि उतना बेहतरीन मेंटेन नहीं है लेकिन ठीक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, बस 4 लेन है। मम्मी यहाँ पे कर रही हैं अनुलोम विलोम, जो काम सवेरे उठ के करना चाहिए वो मम्मी अभी दोपहर में कर रही हैं। अनुलोम विलोम क्या, थोड़ी सांस अंदर बाहर आ जाती है तो अच्छा हो जाता है थोड़ा सा सांस। रामेश्वरम तो खैर जाना ही है। रामेश्वरम से जस्ट लगी हुई एक जगह है धनुषकोडी, वो एकदम एक रोड जाती है समुद्र के बीच से और एकदम टिप टिप है वहाँ पे। तो मैंने बहुत सारे व्लॉग्स में वो एरिया देखा है तो उस एरिया को भी कवर करना है। तो यहाँ हाईवे के साइड में गाड़ी मैंने थोड़ी नीचे उतारी है, बीच बीच में रुक रुक के थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है और मैंने ले ली है बढ़िया एक कॉफ़ी और साथ में मम्मी के लिए कुछ लाया हूँ। खोलो तो खोलो, होगा खाओगी? हाँ। सवेरे आपने कसम खाई थी, देख भी नहीं पाएगा उतनी देर में खत्म हो जाएगा, इसलिए मेरे को ज़्यादा वो मत कर। ये वैसे हो गया था थोड़ा सा ठंडा, दाल के वड़े हैं, कल रात को मैंने और मम्मी ने कन्याकुमारी में खाए थे। वो तो वड़ों में तो हमेशा ही गजब का टेस्ट रहता है, अब क्या करें अपन। लॉक्स आर मैन्युफैक्चर्ड विदाउट अ की, सिमिलरली गॉड नेवर गिव प्रॉब्लम्स विदाउट सॉल्यूशन, ओनली द नीड इज टू अनलॉक देम। समझ में समझ में आ गई, आगे आगे ध्यान की एकदम, मतलब जैसे बारिश होती है ना सब बह गया हमें। आ गया टोल नाका, बड़े दिन बाद टोल नाके के दर्शन हुए। एक्चुअली में हम लोग इतने दिन केरला में चाहते, केरला में तो सड़कें थी नहीं तो टोल भी नहीं था। अरे खोल दो भाई, खोल दो, खुल गया। बट केरला और तमिलनाडु में एक सिमिलरिटी है कि बसें हर जगह दाएं दाएं उड़ती हैं हवा में,
ये पीछे जो अभी जो मैंने बस को ओवरटेक किया ना टोल नाके पे, मेरे को 3 बार ओवरटेक कर चुकी है। तो नेशनल हाईवे को हमने छोड़ दिया है, स्टेट हाईवे पे आ गए हैं। रोड थोड़ी सकरी है लेकिन बहुत शानदार है। तो सामने क्या दिख रहा है मम्मी? विंड मिल, कितनी सारी यहाँ पे पूरे एरिया में। एक्चुअली पीछे से जब से कन्याकुमारी से निकले हैं रास्ते में काफी सारी विंड मिल्स लगी हैं, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। मैं निकाल रही हूँ, आज तो मैंने सुबह खा लिया ना, इसलिए अब खीरा खाऊंगी। वेरी गुड, अपन खाएंगे थोड़ा चिप्स। आज मैंने घास फूस को एकदम त्याग दिया है, अब बस हमारा टूर खत्म होने में है। फिर से थोड़ी सी बारिश शुरू हो गई है। यहाँ पे गूगल माता बता रही है कि 3 घंटे 5 मिनट में हम लोग पहुँच जाएंगे रामेश्वरम। यहाँ की बसें तो रंग बिरंगी है ही। तो यहाँ पे क्या, ये क्या बना हुआ है इसके पीछे? गोरिल्ला, बड़ा गोरिल्ला बना हुआ। मैं क्वेश्चन ऑफ द डे, शहर का नाम बताओ। 200 मीटर में राइट मुड़ना है ताकि नेशनल हाईवे 32 पे रहे, ये गूगल में ना बता रही है। जब रोड अच्छे से बनी होती है और उसके ऊपर इस तरीके से उसको मार्क कर दिया जाता है, अच्छे से पेंट कर दिया जाता है, तो फिर जो खूबसूरती होती है हाईवे की वो दुगनी हो जाती है। और फिर अगर इस तरीके के पेड़ रोड साइड में लगे रहें तो और खूबसूरती तिगुनी हो जाती है। क्या चढ़ोगी क्या? क्या क्या कर रही हो? इसको लपेट के डांस नाचूंगी मैं। नाचते हैं ना पिक्चर। है काय का पेड़? ये ताड़ का पेड़ है। तिल का ताड़ बनाना जो अपन बोलते हैं वो इसी से नाम पड़ा है। ये तिल का ताड़ बन गया। पीछे कुछ जगह ऐसी थी जिसमें खेतों के बीच में जो बाउंड्री होती है वो इन्हीं पेड़ों से बनाई गई है। आप क्या चिपको आंदोलन कर रही हो क्या? इधर आ जाओ ना थोड़ा। कल से अपना ड्रोन नहीं उड़ा है तो ये वाली जो रोड है थोड़ा एरियल व्यू इसका देखते हैं। अभी सामने आपको रोड कई जगह से काली दिख रही है, इसका मतलब यहाँ पे अभी अभी थोड़ी देर पहले थोड़ी सी बारिश हुई है। तो बारिश यहाँ पे तमिलनाडु में सभी जगह हो रही है। कोस्टल एरिया का यही है कि यहाँ कब बारिश हो जाती कोई भरोसा नहीं रहता। केरला में सड़कों पे गाय बकरियाँ ये सब घूमते हुए नहीं दिखती थी, नहीं दिखती। लेकिन यहाँ पे तो बिल्कुल जैसा हमारा टिपिकल हमारे देश में होता है वो सब दिख रहा है, गाय बकरियाँ सब रोड पे आ रही है। मेरे ड्रोन में एक फॉलो मूड है पर वो फॉलो मूड के लिए थोड़ी सड़क चौड़ी चाहिए रहती है, तो ये फाइनली मिल गई। केरला में तो मिली नहीं इसलिए एक भी शॉट मैं ऐसे ले नहीं पाया, लेकिन यहाँ ऐसे बहुत शॉट देखने को मिलेंगे। इस ये जो एरिया है इसमें नवंबर के सीज़न में भी बारिश होती है, इसलिए अभी तक यहाँ पर जो वेजिटेशन है वो काफ़ी हरी भरी दिख रही है। कितनी सुंदर रोड है ना, अगर ऐसी रोड घूमने में मिल जाए तो ट्रिप का पैसा वसूल हो जाए। असली वसूली यहीं पे होती है। तो शाम के बज रहे हैं 6 और ये है वसंतम वेज और ये है चाय पॉइंट, जहाँ से सीधा रामेश्वरम के लिए रोड जाती है। ये रोड सीधा बैंगलोर हाईवे है, बैंगलोर निकल जाएगी। छोटा सा ब्रेक था, बढ़िया डोसा वड़ा खा लिया। मम्मी ने अपना उपवास अभी तक कायम रखा है। कोकोनट वाटर पी लिया। मम्मी क्या लेना है आपको? ऑरेंज और बनाना। वहाँ मिल जाएगा, तुम ले आओ। आज हमेशा मैं जाती हूँ, आज तुमको नहीं। मेरे को ये सब खरीदने का मन नहीं होता, आप ही लाओगे? नहीं मैं नहीं लाऊंगा, आप ही ले आए। मम्मी गई है उधर संतरे लेने और सामने ये दोनों जो महानुभाव आपको दिख रहे हैं ये दोनों बेचारे बहुत देर से दिमाग लगा रहे हैं। 1 kg चाहिए, ये नंबर आखिर है कहाँ? अच्छा थोड़ा सीजी मतलब छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश के पास होता। तो आप जब गई थी ना तो पिकअप में एक लड़का बैठा हुआ था पीछे, पहले उसने बहुत देर दिमाग लगाया, फिर उसका दोस्त आया, फिर वो उसको पूछा, वो दोनों ने मिलकर दिमाग लगाया, फिर वो गाड़ी में एक और आदमी था वो अंदर गया हुआ था कुछ, वो आया, फिर उसको दिखा के ना बोल रहा था बताए कौन सी गाड़ी, तीनों मिलकर दिमाग लगा रहे।
मैंने कहा इधर आ इधर आ, सीजी मतलब छत्तीसगढ़। तो बोले हाँ हाँ हाँ। ऊपर लिखा है रामेश्वरम 49 धनुषकोडी 68। यहाँ पे कुछ बाइकर्स भी दिख रहे हैं। इस रोड पे एक्चुअली बाइकर्स काफी दिखते हैं। धनुषकोडी भी कन्याकुमारी की तरह एक ऐसी जगह है जहाँ पे कहा जाता है कि राम सेतु को वहीं से बनाया गया था, बिल्कुल टिप है एक तरफ, इसीलिए यहाँ पे काफी सारे बाइकर्स आते हैं। अभी हाल फिलहाल फटाफट रामेश्वरम पहुँचते हैं। तो ये जनरली वैसे हमारे ज़्यादातर दिन का रूटीन होता था, मम्मी अपना फेवरेट सीरियल छोड़ती नहीं थी, लेकिन केरला में सारी जगह मलयालम चैनल्स ही चालू रहते थे तो मम्मी को अपना सीरियल देखने नहीं मिला था। यहाँ थैंकफुली रामेश्वरम में मम्मी का सीरियल मम्मी को 10 मिनट के लिए आते साथ ही देखने मिल गया। तो आज का सीन कुछ ऐसा है कि आज हमें अपना ये शानदार होटल ढूंढने में ज़्यादा कुछ कष्ट नहीं हुआ, पहला ही होटल जो देखा वही हमको जम गया। कल सुबह सुबह थोड़ा जल्दी उठेंगे, मंदिर के दर्शन करेंगे, धनुषकोडी जाएंगे और फिर वापस अपनी जर्नी, वापस अपने घर की तरफ स्टार्ट करेंगे। आज सुबह मम्मी ने कहा था कि मैं शाम तक कुछ नहीं खाऊंगी और मम्मी ने पूरा निभाया। शाम को रुक के मैंने तो एक रेस्टोरेंट में खाया, मम्मी ने कुछ नहीं खाया। मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि सुबह सुबह मैं रामेश्वरम के दर्शन करने जाऊंगी। तो आज का वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं। मम्मी फटाफट फाइनल लाइन बोलो। हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। और ऐसे ही खुश होते होते वीडियो पे एक लाइक जरूर दे दीजिए और कमेंट जरूर करते रहिए। तो खत्म करते हैं आज का वीडियो, अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।